हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू वीक, वेलकम टू फ्रेश न्यू गैजेट्स, वेलकम टू फ्रेश न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये है एकदम फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ योर फेवरेट गैजेट शो. द नेम इज गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी. मेरा नाम है गौरव, एके टेक्निकल गुरुजी. और बेसिकली ये जो शो है ना, यहाँ पे आई ट्राई टू ब्रिंग इन एवरीथिंग ऑल टुगेदर, नए नए गैजेट्स, नई नई आपके लिए टेक टिप्स और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब भी. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस वीक्स एपिसोड. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, एज इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस नाउ, आपको पता है द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज टू जस्ट टेक अ क्विक रीकैप ऑफ द स्टफ जो हुआ पिछले पूरे हफ्ते में, बिकॉज इन दिस गैजेट वर्ल्ड थिंग्स मूव वेरी वेरी फास्ट. तो एक क्विक रीकैप तो बनता है कि क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स इन दिस सेगमेंट न्यूज ऑफ द वीक. Starting October 15th, YouTube will let users upload 3-minute long shorts on YouTube. ये square and tall aspect ratio वाली videos पे काम करेगा, and इसके साथ ही YouTube is also adding other tools like templates, the ability to access all of YouTube's content, and जल्द ही DeepMind का सबसे capable generative video model Veo भी shorts में content बनाने के लिए available हो जाएगा. ओपो इंडिया ने रिसेंटली अपने रेनो 12 प्रो 5G के मनीष मल्होत्रा लिमिटेड एडिशन की सेल शुरू कर दी है. नाउ दिस इज अ रेनो 12 प्रो 5G, बट द कोलैबोरेशन विद फेमस इंडियन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा मींस इट कम्स विद गोल्ड फिलिग्री एंड फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी फोन के ब्लैक बैकड्रॉप पर. इस दिवाली गोल्ड कलर थीम में फोन का आस्किंग प्राइस है 36,999 राइट नाउ, एंड ये ओपो के ऑफिशियल ई स्टोर, फ्लिपकार्ट एंड ऑफलाइन स्टोर्स पर अवेलेबल है. Bolt India launched two new headphones, the Q headset and the Boost headset, priced at 1799 and 3799 respectively. Dono headphones mein Boom X technology use kari hai Bolt ne, which is essentially a bass booster. In dono mein hi Zen ENC mic hai for noise cancellation and fast charging capabilities hain. While Q headset day-to-day flexible usage ke liye bana hai, the Boost headset is a little more prosumer friendly. WhatsApp has added new features. एक तो आप अपने contacts के statuses अब लाइक कर सकते हैं और सिर्फ उन्हीं को दिखाई देगा कि आपने उनका status लाइक किया है. Secondly, you can privately mention contacts now when you upload a status so that they definitely see that status. Mentions are private and only the particular contact is notified. फिर द फर्स्ट सेट ऑफ गैजेट्स जो मेरे पास में है इस बार आपसे बात करने के लिए, वो है ये एप्पल की नई वाली एप्पल वॉच सीरीज 10. दिस इज इन द टाइटेनियम एडिशन और साथ में है एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 इन दिस न्यू ब्लैक फिनिश. ये तो बेसिकली सिमिलर एक्सपीरियंस देती है जैसे कि एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 आज तक देती आई है, बट दिस इज अ कंप्लीटली न्यू डील बिकॉज दिस इज द स्लिमेस्ट एप्पल वॉच एवर. जी हाँ, इससे ज्यादा स्लिम आज तक कभी एप्पल ने अपनी कोई वॉच नहीं बनाई है. तो सीरीज 10 डेफिनेटली ब्रिंग्स इन अ न्यू फ्लेवर. साथ में द डिस्प्ले इज इवन बिगर. नाउ द वॉच कम्स इन टू साइजेस, 42 एंड 46 mm, और बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ में टाइटेनियम के हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं. देयर इज नो मोर स्टेनलेस स्टील एंड द वॉच डेफिनेटली हैज सम स्मार्ट फीचर्स, थिंग्स लाइक द डिटेक्शन ऑफ स्लीप एपनिया. या अगर हम बात करते हैं तो नया नया वॉच फेस, काफी एक्साइटिंग लगती है एप्पल वॉच सीरीज 10. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एंड अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल कि आखिर एप्पल ने क्या नया किया है इन नई एप्पल वॉचेस के साथ में. Comparisons are the thief of joy, but Apple ने Watch 10 में जो meaningful upgrades दिए हैं, they make it a compelling choice if you're looking for a new smartwatch in the Apple ecosystem. The screens they've gotten larger and much brighter compared to the Series 9, which came in 45mm or 41mm sizes. But the Watch 10 is slightly bigger, with options of 46mm and 42mm. लेकिन screen to body ratio ज़्यादा हैं. That is why ये बड़ी feel होती है. But Apple has shaved width and weight off. Aluminium and lightweight titanium finishes ki wajah se, it doesn't feel that size. Naya S10 chip, naye watch faces, kafi sare naye fitness related features bhi hain isme, like sleep apnea detection, like water temperature sensing, depth gauging and a depth app jo ki Oceanic Plus app ke saath nicely pair ho jate hain. Because you can take the Series 10 snorkeling and improve charging capability, not battery capacity mind you. ये काफी सारे माइल्ड इंक्रीमेंट्स नहीं हैं. फॉर पीपल लुकिंग टू अपग्रेड फ्रॉम सीरीज 8 और बिलो, द सीरीज 10 मेक्स सेंस. हाउएवर, फॉर पीपल जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा और रफ एंड टफ है,
Apple updated and upgraded the Watch Ultra. And so, this is the Apple Watch Ultra 2. 49mm का साइज सेम है बट स्क्रीन काफी ब्राइट हो गई है. The S9 chipset brings features like double tap and even Siri is faster because it's on board now. Water resistance of up to 100 meters, IP66 dust resistance continues. In fact, ये Ultra watches EN13319 certified हैं. This means internationally recognized diving accessories. The original Watch Ultra still holds its place. वॉचेज लाइक दीज ये स्मार्ट तो होती हैं लेकिन हमको टाइम भी बताती हैं. एंड स्पीकिंग ऑफ टाइम, मेरे ख्याल से ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो हम सभी का टाइम बचाती है. नाउ वी आर सो मच यूज टू ऑनलाइन शॉपिंग, फिर चाहे आप अमेजोन पे जाएं या किसी और वेबसाइट पे, यू नो द डील, ऑनलाइन शॉपिंग इज द न्यू ट्रेंड. डिड यू नो कि अमेजोन का पहले नाम kadabra.com हो सकता था? जी हाँ, इट कम्स बिकॉज जब जेफ बेसोस अमेज़ॉन के बारे में प्लान कर रहे थे, द आइडिया वॉज टू क्रिएट दिस वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुक स्टोर. और उस टाइम पे यू नो द स्पेल आबरा का डाबरा, वहां से इंस्पायर होके कडाबरा के ऊपर जो है वो एक बार को ब्रेक लगा था. बट देन थिंग्स चेंज एंड दे डिसाइडेड टू गो विद अमेज़ॉन बिकॉज अमेज़ॉन इनफैक्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉटर. तो वहां से शुरू हुआ अमेज़ॉन. एंड फॉर अ फैक्ट, अगर आप इनका लोगो भी देखते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड जेड के बीच में एक एरो आपको दिखाई देता है, जस्ट सिंबलाइजिंग कि यहां पे ए टू जेड सब कुछ मिलता है. एंड दैट एरो आल्सो हैपेंस टू बी अ स्माइली फेस. फन फैक्ट, जब ये अमेज़ॉन की शुरुआत हुई उस टाइम पे काफी सारे डोमेन्स को जो है वो खरीद लिया गया था. और इनफैक्ट अमेज़ॉन टुडे ओन्स न्यूमरस अदर डोमेन्स. मतलब आपके लिए एक्सपेरिमेंट है, जस्ट गो ऑन टू योर ब्राउजर एंड टाइप relentless.com. जी हाँ, relentless.com. और मुझे बताना उसके बाद में क्या हुआ. यू नो वे टू रीच मी, इट्स वेरी इजी, tg@ndtv.com. लेट मी नो कि क्या होता है जब आप टाइप करते हैं अपने ब्राउजर में relentless.com. फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट गैजेट दैट आई हैव दिस वीक इज अगेन अ वॉच. दिस वन इज फ्रॉम गूगल. ये है नई वाली गूगल पिक्सल वॉच 3. कम्स इन टू डिफरेंट साइजेस. दिस ब्यूटिफुल राउंड डायल काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस है एंड अगेन packs a lot in terms of hardware. यहाँ पे Fitbit का आपको पूरा मजा मिलने वाला है in this watch. Quite you know unique offering for the Android head of things because अगर आपके पास में एक iPhone है then Apple watch becomes the norm. But अगर हम Android की बात करते हैं तो you have Samsung's watches for Galaxy smartphones. Although वो बाकी फोन में काम करती हैं but this is what Google thinks a smartwatch should be. Especially if you have a Pixel phone, this becomes a nice companion. एक बार देखते हैं थोड़ा सा up close what exactly going on with this Google Pixel Watch 3. Pixel Watch 3 आपको दो size options में मिल जाती है, 41mm and 45mm. While the love for style and design is subjective, everyone would agree that the Pixel Watch 3 does carry a minimal feel. The aluminium finish is nice to the touch and ये ज़्यादा heavy भी नहीं है. इसका actual display custom made 3D Corning Gorilla Glass 5 से protected है and for outdoor legibility it hits 2000 nits of peak brightness. And it is also very considerate about battery sipping, क्योंकि ये 1 nit तक कम भी हो जाता है when always on display is activated. Plus, these watches, they run on a Snapdragon chipset alongside a Cortex M33 co-processor. ये combination, Wear OS 5.0, जो इस watch का OS है, उसको काफी fluid बना देता है. Much needed because the watch is chock-a-block with sensors, SpO2, ECG, Optical Heart Rate Sensing, Skin Temperature Sensor, Skin Conductance Sensing for Body Response Tracking. ये सिर्फ हाईलाइट रील है, बाकी नेसेसरी सेंसर्स भी हैं वॉच में. बट एड दीज टू द इंट्रोडक्टरी ऑफर ऑफ गेटिंग 6 मंथ्स ऑफ फिटबिट प्रीमियम एंड यू नो कि पिक्सल वॉच 3 भी एक फिटनेस डिवाइस का काम कर सकती है. इनफैक्ट मॉर्निंग ब्रीफ इज सच अ नाइस फीचर दैट सम्स अप थिंग्स लाइक स्लीप स्कोर, रेडीनेस एंड वेदर प्रेडिक्शंस इनटू अ नाइस रीड अर्ली इन द मॉर्निंग. ऑफ कोर्स कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जिनको आप पिक्सल फोन के साथ पेयर करके एंजॉय कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट एंड्रॉयड फोन्स Pixel Watch 3 and its 24 hours का claimed battery life are a good option from the premium section of Android smartwatches. So friends, there you have it. That's everything about this Google Pixel Watch 3. आपको थोड़ा सा बस इंतजार मैं करवाऊंगा because break के उस पर trust me, मैं आपको एक ऐसे tip दिला रहा हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा time बचेगा. Yes, I'll be able to help you save time. उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो. Right after the short break, I'll come back with this nice tech tip और आपके सवालों के जवाब भी दूँगा. I'll be right back.
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट गैजेट शो जो है गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरु जी। मेरा नाम है गौरव, मैं हूं आपका होस्ट। और जैसा मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, वेल हियर यू गो। तो बेसिकली आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ सर्च करने जाते हैं अपने ब्राउजर पे, तो वहां पे जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं इट्स अ मिक्स वैरायटी। स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस कई बार आपके डेटा को यूटिलाइज करके आपको रिजल्ट्स में जो है वो मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट, या आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। गाइस, हियर इज द थिंग। लेट्स से कि अगर आपको विकिपीडिया पे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में सर्च करना है, तो जब आप सर्च क्वेरी डालते हैं उससे पहले केवल विकी लिख दीजिए या विकिपीडिया लिख दीजिए फॉलोड बाय द कीवर्ड्स दैट यू आर सर्चिंग फॉर, तो आपको जो आर्टिकल्स हैं वो विकिपीडिया वाले मिलेंगे। मतलब यू नो, जस्ट मेक्स योर लाइफ इजियर बिकॉज द सर्च प्रॉम्प्ट इज डिसाइडिंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स जो आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट से कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो जस्ट Add its name in the beginning of your search query, ताकि जो आपको results मिले उसमें थोड़ा clutter कम हो और आपके काम की चीज़ ज़्यादा हो, आपका time definitely बचने वाला है। Now friends, it's time now for me to answer all the questions जो आपने पूछे थे in this segment Ask TG, and trust me, you know, ये मेरा personal favorite है because knowledge को हम जितना share करें उतना मजा आता है, and what's more fun कि मैं आपके सवालों के जवाब दूं, that too जो आपने सवाल पूछे हैं regarding gadgets and technology. Let's see the kind of questions we have for this week's episode. Hello TG, companies कैसे चुनती है कि फोन में Snapdragon processor होगा या फिर MediaTek? See, the kind of product development cycle जो ये companies follow करती हैं, trust me when I say this, कोई भी company अगर एक mobile phone launch करती है आज की date में, तो उसका काम 2 साल पहले शुरू हो जाता है on an average। मतलब अगर हम आज बात कर रहे हैं iPhone 16 जब लॉन्च हो चुका है, Apple जो काम कर रहा है इट्स ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स iPhone 18 एंड 19 फ्रॉम टुडे। तो डेवलपमेंट साइकिल काफ़ी पहले से शुरू हो जाता है, एंड उसमें फिर डिसाइड किया जाता है कि अच्छा किस प्राइस पे ये फ़ोन आएगा। जो पार्टनर ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल क्वालकॉम, मीडियाटेक, जहां से कैमरा आ रहा है, जहां से डिस्प्ले आ रहा है, उन सबको भी देखा जाता है। दे आर ऑल्सो डेवलपिंग देयर ओन लाइक यू नो न्यू प्रोडक्ट्स, और उसके बाद वेन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इस बजट में दिस प्रोसेसर लुक्स प्रॉमिसिंग, पेयर्ड with this battery capacity, paired with this camera sensor, this exact design, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत पहले से start होती हैं। Basically, the right optimization is what the brands are looking at, कि जो phone है या जो भी product वो बनाना चाह रहे हैं, वो जिस price पे आ रहे हैं उस price में how well optimized it is in terms of कि उसमें क्या features होने वाले हैं, camera कैसा होगा, processor कैसा होगा, and that's how they make the decision depending on जो उनको preferred लगता है basis of their requirements. सर, एक फोन से 2 TWS कनेक्ट कैसे करते हैं? You can connect if your phone supports dual Bluetooth connection. Depend करता है, अगर आपका फोन ये सपोर्ट करता है, इट्स वेरी ईजी। आप जैसे एक पेयर कर रहे हैं, सेम तरीके से यू कैन पेयर द सेकेंड ईयरफोन एज वेल, एंड जो साउंड आउटपुट सेटिंग्स हैं वहाँ पे जाके आप दोनों को इनेबल कर सकते हो, दोनों में आपका सेम कॉन्टेंट प्ले हो जाएगा, बट नॉट ऑल स्मार्टफोन्स सपोर्ट दिस फीचर। हेलो गौरव, हाउ आर यू? माई ऑफिस इज ब्लॉक्ड USB पोर्ट ऑन माई कंप्यूटर, बट वी आर यूजिंग पेन ड्राइव टू ट्रांसफर डेटा। Is there any way to bypass this? Definitely there is a way to bypass, but I would not recommend you to do that, because if your organization has disabled the USB ports, then there has to be a reason for that, and in that case if you are transferring data using pen drives and all, so either they must allow it officially, otherwise I don't think it's advisable ki you unblock the USB ports and then transfer data, because agar mana kiya hai to there must be a reason for that. Although there are ways to unblock it, but I would recommend you not to go that way. Uh,
See, speaking of बड़ा फोन, I mean 6.7, 6.8 जो स्क्रीन साइज के फोन्स हैं यूजुअली आपको यही मिलते हैं अक्रॉस प्राइस रेंज अगर आप देखते हैं आज की डेट में, सो दैट शुड बी ओके. बट कंसिडरिंग द रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G जो आप बात कर रहे हैं, 30,000 के बजट में आई वुड नॉट गो विद रेडमी, आई वुड वॉन्ट टू चूज अनदर ब्रांड. तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे हम वन प्लस नॉर्ड 4 की बात करें, चाहे हम आईक्यू के फोन्स की बात करें, चाहे मोटोरोला की बात करें, चाहे हम नथिंग की बात करें, ऑप्शन बहुत सारे हैं. आई वुड नॉट वॉन्ट टू टेक रेडमी एट दैट प्राइस. नमस्ते टेक्निकल गुरुजी, आई वॉच योर शोज एवरी वीक. प्लीज शेयर सम गॉसिप अबाउट अपकमिंग गेमिंग फोन. आई वॉन्ट टू अपग्रेड टू अ फ्लैगशिप गेमिंग फोन, सो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट एनी अपकमिंग फोन एंड हाउ लॉन्ग शुड आई वेट. If you want to get a gaming-oriented smartphone, in that case, you are left with two options. एक आपको IQ के फोन का इंतजार करना चाहिए, the new IQ 13, जहाँ पे of course Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 processor and you know all the high-end specs मिलने वाली हैं. The second option of course is the Asus ROG phone. तो आपको इंडिया में ये दो ही options मिलते हैं. ROG जो है वो usually साल की शुरुआत में आता है, so I would say next year in the beginning the phone might launch. IQ again इस ईयर एंड तक बाहर लॉन्च होगा, और जब इंडिया आएगा तो शायद जनवरी या फरवरी का टाइम हो जाएगा, हो सकता है दिसंबर में भी आ जाए, बिकॉज अक्टूबर इज व्हेन क्वालकॉम इज लॉन्चिंग द न्यू चिप्स. सो यही दो फोन्स होते हैं, बट ऑन अ लाइक यू नो होल अगर हम देखें, सो एनी फ्लैगशिप फोन टुडे, ईदर इट्स सैमसंग और एप्पल अगर हम बात करते हैं, या वन प्लस फॉर दैट मैटर, दे आर प्रिटी गुड एट गेमिंग ऑल टुगेदर. तो ऐसा नहीं है कि यू कांट गेम वेल ऑन अ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा या द आईफोन प्रो और द प्रो मैक्स या आपका वन प्लस 12 वगैरह, मतलब ये सब दे आर क्वाइट केपेबल इन टर्म्स ऑफ गेमिंग. बट इफ यू आर स्पेसिफिक लुकिंग एट गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स ऑफ दीज गेमिंग फोन्स, देन द ऑप्शन आर IQ एंड Asus. और जब नई चिप्स लॉन्च होंगी फ्रॉम Qualcomm और MediaTek, तब आपको ये नए फोन्स इनका जो है नया वर्जन वो देखने को मिलेगा. Okay, so guys, that's all from this week's episode of this gadget show, जहाँ पे हम हर बार कुछ नए gadgets की बात करते हैं, और in fact, सवाल जवाब करके जो conversation थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं. Well, if you want to ask any question, if you have any feedback, any appreciation, आपको कुछ भी अगर कहना है, you know the drill, it's pretty easy, tg@ndtv.com, drop in all your emails, और मैं आपसे मिलता हूँ next week with some more gadgets, some more fun in your favorite show, Gadgets 360 with Technical Guruji. Till then, take care and have a good day ahead.